सब्सक्राइब करें साइंस क्लासेस और बेल आइकन को दबाकर पाएं लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स सबसे पहले। तो सबसे पहले हम सैंपल कलेक्ट करेंगे इनलेट यानी इक्विलाइजेशन टैंक और फाइनल आउटलेट स्टोरेज टैंक से। सीओडी के एनालिसिस के लिए मुख्य चीज़ें पोटेशियम डाइक्रोमेट, मर्क्यूरिक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें कि सिल्वर सल्फेट मिला होता है, अमोनियम फेरस सल्फेट टाइट्रेशन के लिए और सैंपल। सबसे पहले अब ऐड करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट 5 ml फॉर ईच सैंपल। उसके बाद 1 mg मर्क्यूरिक सल्फेट फॉर ईच सैंपल। अब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 15 ml। सीओडी रिएजेंट ऐड करने के बाद अब हम सैंपल ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इक्विलाइजेशन टैंक का सैंपल ऐड करेंगे। सैंपल ऐड करने से पहले पिपेट को सैंपल से रिंस करना जरूरी है। इक्विलाइजेशन टैंक के सीओडी एनालिसिस के लिए 1 ml सैंपल और 9 ml डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करेंगे। और अब आउटलेट के सैंपल के लिए 10 ml सैंपल का इस्तेमाल करेंगे। ब्लैंक सीओडी के लिए हम ऐड करेंगे 10 ml डिस्टिल वाटर। सैंपल ऐड करने के बाद सीओडी फ्लास्क को 2 घंटे के लिए सीओडी डाइजेस्टर पर रखेंगे, जिसका टेम्परेचर 140 से 150 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सीओडी फ्लास्क पर कंडेंसर रखना जरूरी है। जैसे कि 2 घंटे पूरे हो चुके हैं, तो अब सैंपल को डाइजेस्टर से उतारकर ठंडा करेंगे और 40 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। जब सैंपल ठंडे हो जाएं, तो उसमें 2 से 3 बूंदे फेरोइन इंडिकेटर की डालेंगे। सबसे पहले ब्लैंक सैंपल का टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन करते वक्त हमें ध्यान देना होगा कि सैंपल का इनिशियल कलर चाहे कुछ भी हो, एंड पॉइंट ब्रिक रेड ही होना चाहिए। अब टाइट्रेशन करेंगे इक्विलाइजेशन टैंक के सैंपल का। अब फाइनल टाइट्रेशन है आउटलेट के सैंपल का। Thanks for watching. If you have any question or suggestion regarding this video or ETP, you can comment us. For ETP related video, don't forget to subscribe the channel.